गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग अ गुड जॉब टुडे आई एम डिस्कसिंग योर वर्कशीट नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी टू दिस इज योर क्लास थ्री इंग्लिश वर्कशीट एंड द डेट इज फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्कशीट यू हैव टू राइट डाउन योर क्लास विद योर सेक्शन ए बी सी डी जो भी आपका है आपका नाम और आपके टीचर का नाम फिर आपको आपकी यूनिट लिखनी है यूनिट फाइव द बलून मैन क्योंकि ये पोएम ये पोएम है और ये जो वर्कशीट है इसी से ली गई है तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट अस बिगिन आर डे बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ अ मार्केट सीन एज आज की आज के दिन की शुरुआत है आज या वर्कशीट की शुरुआत इस मार्केट सीन को देख कर करते हैं जो कि पिक्चर में दिया गया है ऑब्जर्व एंड राइट इन योर नोटबुक अबाउट एनी फाइव थिंग्स और पीपल यू सी आपको इस पिक्चर में देखना है और कोई भी पांच चीजें या पांच इंसानों के बारे में लिखना है ठीक है तो आइए शुरू करते हैं किस किस का नाम हम यहाँ लिख सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं दिस दिस कलर इज़ नॉट ना वन तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं कोई भी चीज मान लीजिए मैं लिखती हूँ फ्रूट यहाँ पर फ्रूट आपको दिख रहा है एफ आर यू आई टी फ्रूट नंबर टू पर आप क्या लिख सकते हैं नंबर टू पर आप लिख सकते हैं फ्रूट सेलर या मीट पहले मीट लिख लेते हैं फिर फ्रूट सेलर लिखते हैं नंबर थ्री पर आप लिख सकते हैं फ्रूट सेलर नंबर फोर पर आप क्या लिख सकते हैं इस साइड आपको कुछ वेजिटेबल्स कुछ वुमेन भी दिख रही हैं तो आप लिख सकते हैं चाइल्ड और नंबर फाइव पर लिख सकते हैं आप वुमेन एक भी एक वुमेन के बारे में लिख रहे हैं तो हम वुमेन लिखेंगे हम ज्यादा के बारे में लिखना चाहें तो हम वुमेन भी लिख सकते हैं ठीक है तो फ्रूट्स मीट फ्रूट सेलर चाइल्ड और वुमेन ये फाइव थिंग्स आप इसमें से लिख सकते हैं जिसमें पीपल भी आ गए और थिंग्स भी आ गए ठीक है तो आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेटे नाउ लेटे रीड एंड एंजॉय द पोएम द बलून मैन आइए पोएम पढ़ते हैं जिसका नाम है बलून मनी आपको अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़नी है जो कि किसने लिखी है रोज फैलिमन ने ठीक है आगे देखें क्या करना है इसमें आ, रोज ने लिखी है और उसमें से फाइंड आउट दी राइमिंग वर्ड्स हैं आपको लंच एंड ऑल का तो लंच का क्या था बंच ऑफ बलून और ऑल के लिए क्या था बॉल ठीक है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द स्मॉल अपोजिट उल्टे अर्थ वाले शब्द स्मॉल तो का अपोजिट क्या होगा बिग स्मॉल का मतलब होता है छोटा और बिग का मतलब होता है बड़ा सिट सिट का मतलब होता है बैठना और स्टैंड स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना ठीक है नेक्स्ट लेट अस नाउ फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द कलेक्टिव नाउन यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं जो कि ग्रुप के बारे में बताते हैं एक समूह के बारे में बताते हैं तो हमें वो कलेक्टिव नाउन बताने है. डैश ऑफ काओ यानी कि जो गाओ का जो गाय जो होती है उनके समूह को हम क्या कहेंगे और नेक्स्ट अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स और जो तो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसे क्या कहेंगे तो हम काओ के जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं हर्ड एच ई आर डी हर्ड अ हर्ड ऑफ काउस और जो स्टूडेंट होता है उसके ग्रुप को हम क्लास कहते हैं अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है तो ये आपकी पिक्चर दी गई जो टॉक टाइम है इसमें आपको अपने आप डायलॉग्स लिखने और अपने टीचर के साथ शेयर करना है तो आई होप दिस वर्कशीट यूज़फुल फॉर यू अगर आपको यूज़फुल लगी है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू